मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस प्लेस। इस जगह कौन सा है वो भी पता नहीं। आई जस्ट नो दिस इज सरोजिनी मार्केट। नो नो भैया, इस जगह की नाम 127 ना। तो आई वॉज इन नोएडा, मैं दिल्ली जा रहा था, मेरा फोन रास्ते पे गिर गया था बाइक से। भैया गिव इट बैक टू मी, इस वो नहीं चाहते तो रख सकते थे, बट इन्होंने मेरे को वापस कर दिया। भैया आपका नाम बताइए। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, थैंक यू वेरी मच यार, आपने एक फोन लौटा दिया, बहुत बचा दिया, थैंक यू वेरी मच। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखा था, वाज एक्चुअली उस दिन मैं दिल्ली जा रहा था तो मेरा फोन रास्ते पे गिर गया, बट इट वाज रियली नाइस। आई मेट अभिषेक ब्रो, उनको मेरा फोन मिला था एंड ही गिव इट बैक टू मी, दैट वाज रियली नाइस। इसलिए मैंने एक क्लिप को बस ऐड किया आप लोगों के साथ, इस मोमेंट को शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस मी, मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं दिल्ली एज वेल एज गुड़गांव, और बाय द वे दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली में हम सभी लोगों को अच्छा दिखना रहता है, हम सभी लोगों को अपने आप को ग्रूम करना होता है। तो इसी के चलते इस बार फाइल आ रहा है अपना शानदार वाला दिवाली गिफ्ट है। तो अभी मैं जाऊंगा दिल्ली, लेकिन बाहर जाने से पहले मैं करूंगा अपना हेयर वॉश, और हेयर वॉश करने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन शैम्पू दिखाता हूँ। सो दिस इज फाई का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। हम सभी लोग अपने शैम्पू के चॉइसेस को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं, बट डोंट वरी, दिस प्रोडक्ट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग। एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स तो हम सभी को पता ही है। तो अगर आप भी कोई ऐसा शैम्पू ढूंढ रहे हो जो आपके बालों को क्लेंस कर सके विदाउट हार्मिंग देम, जो उन्हें शाइनी और स्मूथ बनाने के साथ साथ स्प्लिटिंग से भी छुटकारा दे सके, देन दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू। एज वेल एज इसका जो स्मेल है, दैट इज ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग, एकदम एप्पल की तरह। तो जब मैंने ये शैम्पू को यूज़ किया था, आई रियलाइज कि अभी तक मैंने जितने भी सारे शैम्पू यूज़ किए उनमें से एक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज एक शैम्पू का काम बस आपके बालों को धोना नहीं होता है बल्कि आपके स्कैल्प का ध्यान रखना भी होता है। ये शैम्पू सल्फेट और सिलिकन फ्री होने के साथ साथ हर तरह के हेयर टाइप को मैच भी करता है, सो काफ़ी बढ़िया शैम्पू है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। एंड आफ्टर दैट मेरे पास है ये फाई का चारकोल फेस वॉश, जो मुझे हेल्प करता है मेरे फेस के डर्ट और जर्म्स को रिड्यूस करने में। ऑल्सो फाई के इसी दिवाली कॉम्बो पैक के साथ आता है ये फाई का बॉडी वॉश, जो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड इट्स फ्रेग्रेंस इज जस्ट अमेजिंग। ऑल्सो ये मुझे हर पल मदद करता है फ्रेश रहने में। तो ये सारे फाई के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं इसी दिवाली कॉम्बो पैक में, जिसे आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, और एल्स आप इसे अपने किसी क्लोज वंस को भी इस दिवाली गिफ्ट कर सकते हो। सो द लिंक टू दिस प्रोडक्ट्स विल बी इन माय डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट एंड I'll tell you again, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप फाई की वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर करते हो, देन यूज माय कोड कारका15, इससे आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, गिफ्ट सेट्स एंड कॉम्बोस। चलो तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, हमें मेरा एक दोस्त है अपांग तोको करके, ही इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसको उसका स्कूल एक्चुअली आ रहा है, तो उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जाना है, बट जस्ट लाइक मी वो भी अपना बाइक को, मतलब ही हैज अ स्कूटी, तो अपनी स्कूटी को अरुणाचल से दिल्ली तक पार्सल कर रहा है, तो उसको निकालने में डॉक्यूमेंटेशन में वो काफ़ी कंफ्यूज है, तो उसने मेरी मदद मांगी है। तो या वही है, आगे की बातें हम करेंगे दिल्ली में। यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, हाँ हाँ बाइक चलाते चलाते। आप भी आ रहे हो, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। गंदा ट्रैफिक, ओके तो हम आनंद विहार पहुंच चुके हैं, काफी शाम हो चुकी है, 5:49 से ही उभर के। माय फ्रेंड अपांग शुड बी समवेयर हियर, वो देखो। Yo! I love you, यार। बैठ जाओ। तो we have entered the railway station, और वो आगे पे होगी। तो गेट पास मिल चुका है भाई की स्कूटी। आज एक्चुअली बहुत जल्दी हो गया, उस दिन हम कंफ्यूज था ना, आज तो आइडिया था। तो अपंग हम दोनों का एक चीज अच्छा है कि हम दोनों का बाइक और स्कूटी का कलर व्हाइट है, तो ये कौन सा स्कूटी है वो बाहर जाके दिखाता हूँ। री अनबॉक्सिंग होगा इसका आज। ये लो भाई, खेल खेल के लिए जाना होगा।
इसका ना यही प्रॉब्लम है, वो आगे तक 1 किलोमीटर तुमको ठेल के जाना पड़ेगा। अभी तो एटलीस्ट हम है ना, उस दिन हम अकेला ठेल के जा रहा था, दिमाग खराब हो गया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन सनसेट के साथ हमारा मिशन हो चुका है अकॉम्प्लिश। अभी हम जाएंगे दिल्ली वापस। तो गेट पास से एग्जिट करने के बाद इसको खुद से ड्राइव करना पड़ेगा। तो नाउ एग्जिटिंग आनंद विहार रेलवे स्टेशन, यहाँ से जाएंगे हम अर्जुन नगर सफ़र अर्जुन। उससे पहले थोड़ा सा पेट्रोल रिफिल कराएंगे अपने भाई की स्कूटी में। और वैसे तो हमें बहुत पेट्रोल घुस है, अनबिलीवेबल। चल चल आगे जा रहे। क्या अभी कहाँ जाएगा? कमिन का उधर जा लेते, वो सरोजनी का रास्ता पे है, वैसे सरोजनी जा लेते, कुछ घर के लिए बेडशीट ले लेते। नहीं तो वो कुछ काम है क्या? भूख लग रहा है। नहीं नहीं हम खाना खा के आए। चलो Hey yo, gang up, Kamin is here, Achi Garga is here, Apang is here, Kardi, visor utao thora sa. Visor utao. So, the whole Arunachal gang is here, aaj hum log jayenge. Aur gaari aa rahi hai. Sarojini. Chala jayega na. Yahan se hum jayenge Sarojini, wahan mein sasta sasta samaan milte sunne mein aaya. So, we'll go to Sarojini. Ghar ka samaan bhi le lega, bedsheet wagera and all. And hum bahut zyada traffic create kar rahe hain, so let's go. So, pehli baar ja raha hu Sarojini market. Me and my gang, we are here. अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है। मैं क्या गैंग नहीं आया, गैंग बहुत चपड़ी सुनता है यार। तुम्हारा मास्क है भाई? और मास्क मास्क। मैं भी यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, so I have no idea about this place. इस जगह कौन सा है वो भी पता नहीं। I just know this is Sarojini market. तो मुझे बस एक ही बात पता है, दैट यहाँ में कपड़े काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, मतलब सब कुछ काफ़ी सस्ता में मिलता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे घर के सामान और मुझे कुछ जो भी मिलेगा सस्ता में मिलेगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड लेट्स गो आगे। अरे कौन हॉर्न मार रहा है? आई एम रियली अमेज्ड क्योंकि यहाँ में बहुत सारी दुकानें हैं। मैं आश्चर्यचकित हो चुका हूँ कि कहाँ जाऊँ क्या देखूँ। लॉट्स ऑफ शॉप लिटरली। नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ तो ये मेरा पहला सरोजनी का पहला प्रोडक्ट है एक्चुअली। सो आई बॉट है, एक बार प्लास्टिक को पकड़ना भैया। हाँ तो भैया से मैंने लिया ये टी शर्ट, बस टी शर्ट बोलता है शर्ट, वो भी 150 में। आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ फेयर प्राइस। भैया ने ज़्यादा लिया है कम मुझे पता नहीं। अगर कोई देख रहा है और सरोजनी से वाकिफ है तो मुझे बताना कि इज़ दिस वर्थ 150 रुपीज़। कॉटन का टी शर्ट और शर्ट है, पता नहीं वो दुकानदार हमको ज़्यादा दिए ना कम दिए, पता नहीं। लेकिन सेम शर्ट अगर आज ईटानगर में लेने से ना, नहीं नहीं बोलने से भी 1000 हो ही जाना था, बहुत ज़्यादा होना था। क्वालिटी उसका अच्छा था, हम चेक किया था। आगे ओ लेफ्ट जाएगा। अरे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊँ भैया। मैं बहुत सारी दुकानें, लिटरली बहुत सारी दुकानें हैं। लॉट ऑफ ट्रैफिक, गाड़ी वाला नहीं लोगों का ट्रैफिक। लॉट्स ऑफ जैकेट, ओ जैकेट बोलते हैं शॉप्स। तो बहुत ही जल्द हम लोग कहाँ जाने वाला है? मनाली। मनाली कमिन बहुत प्यारा है यार। मनाली जाने के लिए हम लोग को हॉट हॉट कपड़े की ज़रूरत है। ये लड़की लोग का नहीं है वो सब लोग, लेकिन ना थर्ड कॉपी लोग। हम बोला ना फर्स्ट कॉपी भी नहीं, थर्ड कॉपी से। जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप सरोजनी किसी फीमेल फ्रेंड को ही लेके आए या फिर दीदी बहन के साथ आए। कज मैं लड़का हूँ एंड आई एम नॉट रियली इनटू शॉपिंग। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लड़की लोग तो यहाँ पागल की तरह इतना बड़ा बड़ा झोली लेके आके, बैग लेके आके, आई मीन शॉपिंग कर रहे हैं। हमको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसी रेट में लगाओ भैया, उसी रेट में लगाओ। हाँ 250 में लगाया था। 250 क्यों रेट पे आगे बात करते हैं यार? नहीं हमको 250 में लगा दिया ना, एक्चुअली 450 था। प्रो को तुम बात कर रहे हो यार, क्या बता 200 में लग गया था। वही तो, फिर से कहो कितने में लग जाता? 150 में लग जाता, बोला है ना 100 रुपये ज्यादा ही दे रहे हो। तुम लोग बोल रहा था, तुम लोग तुम बुद्धू है यार। पहले रेट बोलता, वही तो आगे रेट बात नहीं करता, बोलना चाहिए उसके बाद रेट बोलता। अरे भैया आप सच्चे वो चल झूठा। लॉट्स ऑफ जीन्स हियर एज वेल, देखता हूँ।
वो टी शर्ट बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ वही वही। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद हमने बस घर के लिए बेडशीट्स लिए, क्योंकि कपड़ा वपड़ा लेना एंड ऑल हमारे समझ के पड़े, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऑल्सो अपना टाइप का कपड़ा है भी नहीं हमें। ये मेरा प्यारा सा दोस्त का प्यारा सा पिलो। यार हम तो सरोजनी सरेंडर हो गया, लड़की लोग के लिए ठीक है, हम लोग नहीं सकेगा। रुके डू सो बिस्पा वन फिफ्टी, चलो घर चलते हैं। So that was it for this video. I'm so sorry इस vlog को मैं ढंग से end भी नहीं कर पाया, because when I was in Sarojini market I was completely speechless, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो as far as my belief, I think कि Sarojini is not the place for guys, especially guys like me जो shopping में इतना ज़्यादा interested नहीं है। तो जो भी हो इस vlog को हम करते हैं यहाँ में ख़त्म। vlog को ख़त्म करने से पहले let me tell you, do not forget to order this amazing shampoo, body wash and face wash from Fai. Products are really nice. The link will be in the description. Do check them out. Also, my new table. Mera silver play button. And yeah, that's it. So, thanks for watching till the end. As I said earlier, you guys are amazing. With my 100k play button. Peace.